सो हाय गाइस, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने आपको कि 17,300 पे शायद मार्केट एक ओपन हो सकता है, मतलब कि गैप डाउन तो कल हुए आज होना ही था, बट इतना ज़्यादा हो जाएगा इसका तो खैर आइडिया मेरे को भी नहीं था। तो आज जो हम 17,300 का जो रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस हो चुका है, बट अभी क्या है, अभी 17,500 का ही एक्सट्रीम रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और आप देखोगे एक 17,000 का ये जो पिछले दो बार यहाँ पे जो सपोर्ट आया था डबल बॉटम वाला, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट बना सकता है थोड़ी देर के लिए, बट अगर ये एक क्या एक सेमी सर्कल बना रहा है, ये ब्रेक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक होता है, इसीलिए मैं 17,000 को एक न्यूट्रल येलो, मतलब येलो लाइन से एक मैं ड्रॉ कर चुका हूँ यहाँ पर, कि यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो ये 16,700 कहीं ना कहीं हमें आते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। 16,700 के लिए रेडी रहना। और इसके बाद अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊँ तो बैंक निफ्टी में क्या है, बट हाँ ये है कि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड है, ये 17,000 पे आने पर टाइम लेंगे अभी, ठीक है। मैंने अभी 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लो कि अभी हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेम बैंक निफ्टी के पास मतलब साथ है 36,000 का सपोर्ट। वो सपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट जब ऊपर खुला तो ये जो था ना, इसको सपोर्ट नहीं कर पाया और ये ब्रेक डाउन दे दिया, देन इसके ऊपर गया, देन ब्रेक डाउन दे दिया, देन इसके ऊपर गया, तो यहाँ से एक बार जब रिटेस्ट कर गया तो मार्केट एक इस लेवल पर पहुँच गया, ठीक है, एकदम 36,000 से 38,300 पहुँच गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर की बार मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है इस 38,000 पे, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा, रोकेगा अपने आप को, देन शायद ब्रेक डाउन दे दे, तो आपको 34,000 के लिए रेडी रहना है, 34,900 35,000 के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो यही आज का मतलब वो है एनालिसिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।